ये लड़की कौन है? मतलब भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि वो कहाँ से आई है। क्या वो नौकरानी उसकी माँ है? शायद, हो सकता है उसकी सौतेली माँ हो। मेरी तो अकल ही नहीं मानती, उसे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अरे बहरहाल उसके बाप ने उसे एक अच्छे स्कूल में भेजा और उस दिन के बाद से उसे देखा भी नहीं। यानी कई सालों बाद वो दोबारा आई है? अरे मेरी प्यारी बेटी बात समझो, उसका बाप पहाड़ों की तरफ निकल गया था, उसे तजस्स हुआ तो वो वापस आ गई बस। फातमा, ये सब चीजें उसे दे देना। अरे अरे रुको 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 रुको, मुझे दिखाओ। अरे भाई अब तुम क्या कर रही हो? तुम्हें इससे क्या, मुझे देखने दो। चलो देखते हैं इसने इतने साल कैसे गुजारे। देखो ये क्या निकला। ये कौन है? यही तो है उसकी इकलौती दोस्त ज़ैनब। क्या मतलब है इसका? ये दोनों एक साथ खेलकूद के बड़े हुए हैं, एक दूसरे के बगैर रहते नहीं थे और दोनों को ही घोड़े पसंद थे। वो दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। उस वक्त वो दोनों इतने भी छोटे नहीं थे। बहरहाल देखो तो एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि पुरानी बातें खोलने का मकसद क्या है। लोग तो अजीब बातें करते रहते हैं। असल में तो हमारा फॉर्म जुल्फिकार ने ही संभाला है। हो, ये देखो मुझे कितनी अच्छी चीज मिली। देखो तो जरा, डिप्लोमा किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी बड़ी और कितनी खूबसूरत हो गई है। देखो बिल्कुल किसी मॉडल की तरह लग रही है। देखो। बहरहाल ये बहुत अजीब सी बात है। अरे इसे उठाओ, तुम वहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? इसे ले जाकर अपनी जगह पे रख दो।